डिटॉक्स वाटर के हेल्थ बेनिफिट्स तो आप सभी लोगों को पता होंगे, बट डू यू नो एनीथिंग अबाउट सन चार्ज वाटर? इफ नो, देन आज का जो वीडियो है वो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सन चार्ज वाटर के बारे में, उसका प्रेपरेशन कैसे करना है, उसका कंजप्शन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है उसकी प्रेपरेशन करते हुए, एंड आई कैन नॉट टेल यू कि इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आई मीन दिस इज़ एवरीथिंग एंड आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ कि मैंने आपके साथ अभी तक ये क्यों नहीं डिस्कस किया. एंड वन मोर थिंग, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. पूछे जो कोई मेरी निशानी. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण्या बाय डॉक्टर हीना. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अरुण्या का मतलब होता है फर्स्ट रे ऑफ सन, तो आज का जो वीडियो है वो भी सन रेस के सराउंडिंग ही घूम रहा है. पहले ये वीडियो मैं मेरे मेन चैनल पे डालने वाली थी, बट देन आई थॉट कि इससे ज़्यादा रिलेटेबल मेरे चैनल का कंटेंट नहीं हो सकता, तो ये वीडियो तो डेफिनेटली इसी चैनल पे जाने वाला है. एंड एज आई प्रोमिस्ड यू बिफोर कि हम एक फिटनेस सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो क्यों नहीं हम यहाँ से स्टार्ट करें, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक. यू नो, हम जो लिक्विड फॉर्म, लिक्विड जो हम कंजप्शन करते हैं, वही हमारी बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, तो हम यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड बात कर लेते हैं सन चार्ज वाटर के बारे में. तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ. अगर सन नहीं होगा, एनिमल्स, प्लांट, कोई भी धरती पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एंड सन की जो रेजेस है वो 70 तरह के एलिमेंट्स प्रोड्यूस करती है, एंड वन ऑफ द एलिमेंट मेक्स अर्थ. उसमें से जो एक एलिमेंट है वो अर्थ को बनाता है. तो थोड़ा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि सन कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड वाइस वर्सा, अगर हम बहुत ज़्यादा सन में जाएंगे तो हमें सन टैन हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं. बट अगर उसी सन रेजेस का हम सही तरह से अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, तो वही जो रैशेज हमारी स्किन पे हो गए हैं, हमें जो टैनिंग हो गई है, वही रेजेस उन सब चीज़ों को ठीक कर सकते. सन रेजेस हैव हीलिंग प्रॉपर्टी, बट सन से तो हमें सनबर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है. यस, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में लेंगे तो आपको उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली मिलेंगे ना, बट अगर आप उसे एक प्रॉपर लेवल पे लेंगे तो ये मत भूलिए कि जो सन रेजेस हैं वही हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, प्लस ये हमारे टिश्यू को रिजुविनाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है. एंड समर्स में जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो ये उस हीट को डिक्रीज करने में हेल्प करती है, मेंटेन, बैलेंस करने में हेल्प करती है, एंड हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है. ये बहुत थोड़े से जो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ, उसके तो बहुत सारे. अगर आपको किसी भी तरह का एक्ने है, बहुत सिवियर एक्ने है, तो आप इस पानी को कंटिन्यू एक मंथ तक पीजिए, एंड उसके बाद आप अपने लिए रिजल्ट्स देखेंगे, देन आप यहाँ पर आकर मुझे डेफिनेटली बताएंगे. आई कैन प्रोमिस यू दैट. तो चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रेपरेशंस की, कि इसको बनाना कैसे है. बहुत इजी प्रोसेस है, बट हम यहीं पर कुछ एक गलतियाँ कर लेते हैं, जिस वजह से ये चीज़ जो एक अमृत है वो हमारे लिए जहर बन जाता है. पहली गलती, हमें प्लास्टिक बर्तन या स्टील बर्तन यहाँ पर यूज़ नहीं करना है. दो तरह के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, आप तांबे वाला जार यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास बॉटल. ग्लास बॉटल भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आई मीन टू से कि उस पर कोई भी कलर से कोई भी कलाकारी नहीं की होनी चाहिए, क्योंकि जब उस पर सन रेजेस पड़ेगी तो वो कलर का जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके पानी में रिलीज हो सकते हैं. तो आपको नॉर्मल एक प्लेन ग्लास बॉटल चाहिए, आप उसको पूरा फिल कर दे, और आपको उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है. आपको इसे 8 से 9 घंटे तक, मतलब आप मॉर्निंग में रख दीजिए एंड जस्ट लीव इट, भूल जाइए कि आपने उसे धूप में रखा है, क्योंकि अगर आप उसको बीच में हिलाएंगे तो आप उसकी प्रोसेस को ख़राब कर सकते हैं. तो मेक श्योर कि आप उसे पूरे 8-9 घंटे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें. आप इसे कंटिन्यू पहले एक दिन रखेंगे, उसके बाद सेकेंड डे फिर से रखेंगे, 2 दिन तक रखें, एंड उसके बाद आप इस पानी का कंजप्शन कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 लीटर बनाया तो आपने पूरा 1 लीटर पी लेना है. नो, आप उसमें से 1 ग्लास पीजिए एक दिन में, दूसरा पीजिए सेकेंड डे में. एज आई टोल्ड यू कि ये एक बिल्कुल अमृत की तरह है. एक्सेस में लेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, हालांकि इसके इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, बट स्टिल आपको 1 ग्लास ही पर डे पीना है. उसके बाद अपना
सेकेंड स्लॉट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए ये मैजिकल वाटर बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो यहाँ पर नहीं बनाना चाह रही थी, बट ये जो वीडियो था वो बिल्कुल चैनल नेम से रिलेट कर रहा था, तो आई कुड नॉट रिजिस्ट माई सेल्फ, तो मैंने यहीं पर ये वीडियो अपलोड कर दिया। आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। मैं इस प्रोसेस को पानी मैं मोस्टली विंटर्स में पीती हूँ, बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विंटर्स में पीजिए, समर्स में पीजिए, इसका कोई इतना वो नहीं होने वाला है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। मैं मोस्टली विंटर्स में पीती थी, देन आई रेड अबाउट इट, एंड अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो इसको सूर्य चिकित्सा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं शायद गलत बोल रही होगी तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, बट ऐसे ही कुछ आयुर्वेदा में से कहा जाता है। मैं थोड़ा मेंशन कर दूंगी इसके बारे में लिख कर, तो आप पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लविंग, कीप स्प्रेडिंग लॉट्स ऑफ लव, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन गिव दैट लव टू अदर्स। पहले खुद को प्यार करो, फिर दूसरों से प्यार करो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।